नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। बहुचर्चित रेत घोटाले में कांग्रेस नेता पर धारा 406 के तहत मुकदमे के तहत हुई गिरफ्तारी। जी हां, कगरुआ के पठार की रेत घोटाले में लंबे समय से चल रही जांच के बाद कुरवाई पुलिस ने आखिरकार मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें मुकदमा कांग्रेस नेता राहुल कठारिया पुत्र प्रमोद कठारिया निवासी मंडी बामोरा के विरुद्ध धारा 406 के तहत दर्ज किया गया, जिसके तहत आज आरोपी राहुल कठारिया की गिरफ्तारी मंडी बामोरा से की गई, जिसे कल सिविल न्यायालय में पेश किया जाएगा। टीआई राजेश सिन्हा ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन एवं भंडारण खुर्दवर्द के मामले में धारा 406 के तहत दर्ज मुकदमे में फरार आरोपी राहुल कठारिया प्रमोद कठारिया निवासी मंडी बामोरा जिला सागर की आज मंडी बामोरा मुख्य बाजार से गिरफ्तारी की गई, जिसे कल सिविल न्यायालय कुरवाई के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। थाना कुरवाई में अपराध क्रम 463-19 जो धारा 406 का प्रकरण पंजीबद्ध था, जिसमें राहुल कठारिया जो कि 2016-17 में ककरुआ पठार पे रेत को इनकी सुपुर्दगी पे दिया गया था, जो इनके द्वारा 5,200 घनफीट में से 4,290 घनफीट रेता को खुलभूत कर दिया गया था अपने लाभ के लिए, उस मामले में प्रशासन की ओर से रिपोर्ट पर थाना कुरवाई में अपराध पंजीबद्ध था, जिसमें करीब 2-2.5 महीने से यह फरार चल रहे थे। आज इनको तलाश इनकी जारी थी, 2-3 दिन से हमारी टीम भी लगातार इनकी तलाश कर रही थी। आज इनको मंडी मामोरा में बाजार में से इनको पकड़ा गया है और इनकी गिरफ्तारी की गई है। राहुल प्रमोद कठहरिया निवासी मंडी मामोरा का गिरफ्तार किया गया है।